नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के इन 10 जिलों में नए सिस्टम के साथ शुरू होगा बालू खनन। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची स्कूलों से तलब। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए इन कामों को करना होगा अनिवार्य। बिहार के इस मंदिर में 109 साल से जल रही है अखंड दीप। भारत पाक के मैच में पाक बैटर के आउट होने पर वीडियो हो रहा वायरल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट सचिवालय में DFO टेक्निकल के पदों पर निकली भर्ती। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार की ओर से डिप्टी फील्ड ऑफिसर के अंतर्गत विभिन्न ब्रांचेस में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने के लिए ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित पते पर भेजने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। भर्ती में भाग लेने से पहले अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता अवश्य चेक कर ले। अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर उसे भरकर निर्धारित किए गए दस्तावेज अटैच करे और उसको पोस्ट बैग नंबर 001 लोधी रोड हेड पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली 110003 पर 6 नवंबर 2023 तक पहुंचा दे। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री उत्तीर्ण प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2021-22 या 2023 सत्र का वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी होना आवश्यक है। बिहार के इन 10 जिलों में नए सिस्टम के साथ शुरू हुआ बालू खनन। बीते दिन यानी कि रविवार से बिहार के 10 जिलों में नए प्रावधान के तहत नई व्यवस्था में पहली बार नए बंदोबस्तधारी के माध्यम से बालू खनन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, भोजपुर, अरवल, गया, नवादा और बांका जिला शामिल है। मालूम हो कि बालू घाटों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। वहीं बालू ढोने वाली गाड़ियों का निबंधन करवाकर उसमें GPS लगाने, बालू के वजन के लिए घाटों पर धर्म कांटा लगाने, चेक पोस्ट बनाने, चालान काउंटर और चेक पोस्ट पर CCTV लगाने भी निर्देश दिया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिला के खनिज विकास अधिकारियों और खान निरीक्षकों को घाटों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान अगर मानक के अनुसार कोई बंदोबस्तधारी ज्यादा बालू खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अवैध बालू खनन को और इससे सरकार को होने वाली राजस्व हानि को रोकने के लिए अधिकारियों को समन्वय समिति बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बाकी बचे जिलों में बालू खनन की शुरुआत दूसरे चरण के तहत की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रवि शाह के बारे में। रवि शाह, जिन्हें रवि भूषण भारतीय के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता हैं। वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से स्नातक है और उन्हें पान सिंह तोमर में बलराम सिंह की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। रवि शाह का जन्म और पालन पोषण पूर्णिया बिहार में हुआ। उनकी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से हुई है। उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान भोपाल से की है। वह भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक हैं। रवि शाह अपनी अभिनय यात्रा एक थिएटर कलाकार के रूप में शुरू की। उन्होंने राम गोपाल बजाज, स्वर्गीय हबीब तनवीर, आलोक चटर्जी और स्वर्गीय अलकनंदन के साथ 5 वर्षों से अधिक समय तक थिएटर में काम किया। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े रहे। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए इन कामों को करना होगा अनिवार्य। अब रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाने के लिए बाइक, कार समेत किसी भी निजी गाड़ी को DTO कार्यालय ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि यहां DTO, MBI और वाहन की संयुक्त फोटोग्राफी होगी और उसके बाद फोटोग्राफ और वाहनों का कागजात परिवहन विभाग को भेजा जाएगा, जहां विभाग के द्वारा कागजात की जांच की जाएगी और फिर रिन्यूअल के लिए DTO को अनुमति दिया जाएगा। मालूम हो कि पहले किसी भी निजी वाहन के रिन्यूअल के लिए MBI जांच करते थे और वहां के फोटो के साथ साथ सही कागजात पाए जाने पर रिन्यूअल के लिए अनुमति मिल जाती थी, लेकिन अब नए नियम में MBI के साथ साथ DTO को भी जांच करनी है। ऐसे में जिस फोटो में DTO नजर नहीं आएंगे उस वाहन का रिन्यूअल नहीं होगा। वहीं इसके अलावा स्मार्ट कार्ड वाले वाहन मालिकों को MBI ही जांच करके रिन्यूअल के लिए अनुमति दे देंगे। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची स्कूलों से तलब। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखे आदेश दिया गया है कि 12वीं में अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं की सूची, जो वर्ष 2024 के इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और जिनका परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करवाया जाए और साथ ही छात्रों को नोटिस भी दिया जाए। इसके अलावा वैसे छात्र जो परीक्षा फॉर्म भरने के बाद स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका नामांकन रद्द करने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि पहले छात्रों को नोटिस दिया जाएगा और अगर छात्र नोटिस को देखते हुए स्कूल नहीं आते हैं तो उनके को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बिहार बोर्ड के द्वारा 9वीं 10वीं की मासिक परीक्षा की तिथि के साथ इंटर सेंटर का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत मासिक परीक्षा 26 से 28 अक्टूबर तक ली जाएगी, तो वहीं इंटर सेंटर परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू होगी और 6 नवंबर तक चलेगी।
पटना संग्रहालय में अब आचार्य चाणक्य से जाने बिहार का इतिहास। पटना संग्रहालय में अब नई तकनीक ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बिहार के गौरवशाली इतिहास से लोग अवगत हो पाएंगे। बता दें कि 158 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बिल्डिंग का काम पूरा किया जा चुका है और कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से निरीक्षण भी किया जा चुका है। हालांकि वर्तमान में कुछ महीनों के लिए फिलहाल पटना संग्रहालय को बंद किया गया है। बता दें कि पटना संग्रहालय में जिस नई तकनीक की शुरुआत की गई है उसके अंतर्गत आचार्य चाणक्य का होलोग्राम होगा जो कि सवाल पूछने पर जवाब देगा। यह अब तक किसी भी संग्रहालय में नहीं है। वहीं संग्रहालय के बेहतर तरीके से इतिहास को समझने के लिए इंटरएक्टिव स्क्रीन लगाई जाएगी जिस पर हर कलाकृति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। संग्रहालय में संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान साल लखनऊ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 14 दिनों में बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4000 पार। बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। बता दें कि हर महीने 14 दिनों में ही राज्य में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार कर गया है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 353 नए मरीज मिले और इसके साथ ही अक्टूबर महीने में डेंगू मरीजों के मिलने की संख्या 4122 हो गई है। मालूम हो कि इस वर्ष अब तक 10857 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 99 मरीज मिले। वहीं भोजपुर में 25, मुंगेर में 17, सारण में 15 और पूर्वी चंपारण में 11 डेंगू के मरीज मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट मोड में रखा गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर वार्ड वार फॉगिंग करने को कहा गया है ताकि डेंगू का प्रचार अधिक न हो। बिहार के इस मंदिर में 109 साल से जल रही है अखंड दीप। बीते दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछले 109 वर्षों से अखंड दीप जल रही है। बता दें कि हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह बिहार की राजधानी पटना में गोलघर स्थित अखंड वासिनी मंदिर मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस अखंड दीप को लेकर पुजारी का कहना है कि इसे असम के कामाख्या से लाया गया था जिसमें से एक में घी और दूसरे में सरसों तेल का प्रयोग होता है। मालूम हो कि पुजारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नवरात्र के मौके पर बहुत सारे भक्त इस अखंड ज्योत में घी और सरसों तेल डालते हैं, तो वहीं कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में मनोकामना लेकर मंदिर में अलग अखंड दीप 9 दिन तक जलाते हैं। अखंड दीप 24 घंटे जलती रहती है। यही कारण है कि मंदिर का नाम अखंड वासनी पड़ा है। बता दें कि 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार माता रानी की देखरेख व पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। 1914 में अखंड वासनी मंदिर झोपड़ी में विराजमान थी। वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के 31 जिलों में जांच के दौरान 172 वाहनों को किया जब्त। 172 वाहनों को ई वे बिल की जांच में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जब्त किया गया है। बड़े पैमाने पर चलंत वाहनों की जांच राज्य में कुल 31 जिलों के मुख्य मार्गों को चिन्हित कर की गई है जिसके लिए 40 जांच टीम का गठन कर उन्हें इस काम के लिए लगाया गया था, जहां जांच टीम में कुल 93 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। जिन वाहनों या ट्रांसपोर्टर ई वे बिल के बिना या अधिक कीमत के माल का परिवहन या बिना कागजात के माल का परिवहन कर रहे थे उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। साथ ही जांच के दौरान जिन वाहनों में गड़बड़ी पाई गई उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। पंकज त्रिपाठी को अपनी फिल्म ओएमजी 2 को लेकर है मलाल। बिहार के लाल और बॉलीवुड के एक्टर पंकज त्रिपाठी के द्वारा अपनी फिल्म ओएमजी 2 को लेकर यह मानते हैं कि वह सफलता हासिल नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। दरअसल पंकज त्रिपाठी ने अपने हालिया इंटरव्यू में यह स्वीकार किया है कि ओएमजी 2 को केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड से ए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए अधिकांश परिवार से नहीं देख सके। हालांकि अमित राय द्वारा निर्देशित यह फिल्म युवा वयस्कों के लिए थी। इस सर्टिफिकेट की वजह से परिवारों के लिए फिल्म देखना मुश्किल हो गया था। एक परिवार में पति पत्नी और एक छोटा बच्चा है तो वह कैसे आएंगे। अगर यह सर्टिफिकेट नहीं होता तो मुझे लगता है कि फिल्म और भी बेहतर होती। उन्होंने कहा कि फिल्म पहले से ही सुपर हिट है। व्यवसाय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह बात है कि जो संदेश एक निश्चित आयु वर्ग के लिए था वह उन तक नहीं पहुंचा। उम्मीद है लोग अब ओटीटी पर आएंगे और इसे देखेंगे और समझेंगे। बता दें कि इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी के साथ साथ अक्षय कुमार और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में थी। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही है कल्याणकारी योजनाएं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि देवियों को समर्पित होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए कौन सी 10 बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे महिला आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, संपूर्ण टीकाकरण योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा। मालूम हो कि आज महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर काफी आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी पहचान के साथ जी रही हैं।
बिना जानकारी स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों का कटा वेतन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश पर बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों से बिना सूचना के गायब रहने वाले 47 शिक्षकों के एक दिन के वेतन को काट दिया गया है और साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। बता दें कि यह कार्रवाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। यह निरीक्षण बीते 11 और 12 अक्टूबर को किया गया था। वहीं अगर अब शिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले मात्र 25 अंडे सालाना खाते हैं बिहारी। ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को साल भर में 180 अंडे खाने चाहिए, लेकिन बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष केवल 25 अंडे की ही उपलब्धता है, जबकि देश भर में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 95 अंडे उपलब्ध है। इस हिसाब से बिहार में अंडे उपलब्ध ही नहीं है। बता दें कि बिहार में वर्तमान में अभी प्रतिवर्ष 327.4 करोड़ अंडे का उत्पादन हो रहा है, जो कि देश के कुल अंडा उत्पादन का 2.5% है। वहीं देश पूरे विश्व में अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। इस पर पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम के द्वारा कहा गया है कि राज्य में देसी मुर्गी की सप्लाई अभी कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि इन कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में प्रतिवर्ष दूसरे राज्यों से 235 करोड़ अंडा बिहार आ रहा है। वहीं दूसरे और तीसरे वर्ष रोड मैप शुरू होने से पहले वर्ष 2011-12 से पहले यह और भी कम था। उस दौरान राज्य में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 8 से 9 अंडे ही उपलब्ध थे। बिहार में अब सुबह में धुंध का दिख रहा असर। बिहार में मॉनसून की पूरी तरह से वापसी हो गई है। बता दें कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार मॉनसून सीजन में राज्य में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। 1 जून से 30 सितंबर के बीच 992.02 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 760 मिलीमीटर ही बारिश हुई। वहीं अब राज्य के अधिकांश हिस्सों में धुंध का असर दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रह सकता है। हालांकि तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं मॉनसून की वापसी के साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में अब ठंड आने का संकेत मिलने लगा है। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दुर्गा पूजा और अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की अनुमान है। उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही नवीनतम तकनीक से पढ़ाई की सुविधा। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा IPRD पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि उन्नयन बिहार कार्यक्रम राज्य के सभी 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को नवीनतम तकनीक से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्नयन बिहार कार्यक्रम के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं हर जिले के एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुकरणीय मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है। 20 अक्टूबर से खुलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर आप भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घूमने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस साल VTR में पर्यटन सत्र की शुरुआत 20 अक्टूबर 2023 से होने वाली है। मालूम हो कि पहले VTR में पर्यटन सत्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होने वाली थी, लेकिन लगातार दो दिनों तक बारिश होने के कारण तारीख को बढ़ाकर 20 अक्टूबर 2023 कर दिया गया। वहीं पर्यटकों की सुविधाजनक ठहराव के लिए मुख्य 3 पर्यटन केंद्रों पर साफ सफाई और रंग रोगन आदि की तैयारी की जा रही है, और साथ ही जंगल सफारी के लिए विभाग के वाहनों के अतिरिक्त निजी वाहनों का भी निबंधन किया जा रहा। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से 3 दिवसीय, 2 दिवसीय और बेतिया मुख्यालय से 1 दिवसीय टूर पैकेज का संचालन किया जाएगा, जिसमें 3 दिवसीय टूर पैकेज के लिए 4,500 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। तो वहीं 2 दिवसीय टूर पैकेज के लिए 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति और बेतिया से 1 दिवसीय टूर पैकेज के लिए 1,200 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे, जिसके अंतर्गत पर्यटकों को परिवहन वाहन के साथ अल्पाहार भोजन, जंगल सफारी, मोटर बोट, इको पार्क, कौलेश्वर झूला, हाथी सेट, गोलघर व्यू पॉइंट, रात्रि आवासन, लाल भीतिया, सनसेट पॉइंट, थारू सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई चीजों की सुविधा मिलेंगी। राहुल कुमार को मिला आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान। ककवन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से दिए जाने वाले आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत 2023-24 पुरस्कारों की श्रृंखला में गुड सिमरटीन आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में ग्राम पंचायत सुस्ता प्रखंड मुसहरी के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सह आपदा मित्र राहुल कुमार को सड़क दुर्घटना में अनजान घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा CPR देकर समय पर अस्पताल पहुंचाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में इमरजेंसी में लोगों की जान बचाने तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए दिया गया है। 2023-24 के राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जानकारी पत्र के माध्यम से साझा की कि यह कार्यक्रम
13 अक्टूबर को संसद मार्ग नई दिल्ली में स्थित भारतीय संविधान सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 61 आपदा फरिश्तों को सम्मानित किया गया है। वहीं आपदा मित्र राहुल कुमार ने अपने इस उपलब्धि पर कहा है कि राष्ट्रीय सम्मान मेरे लिए बहुत अहम है। उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय सम्मान समाज के युवाओं के प्रेरणा और जागरूकता का संदेश पहुँचेगा। राजद ने नीतीश को दूसरा गांधी बताने का किया विरोध। जदयू द्वारा देश का दूसरा गांधी नीतीश कुमार को बताया गया है, लेकिन जदयू के इस कथन को राजद के शिवानंद तिवारी ने अनुचित बताया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि गांधी जैसा व्यक्ति 2000 वर्ष में एक बार पैदा होता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांस के रोमा रोला गांधी की ईसा मसीह का लघु रूप मानते थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां जब गांधी के विषय में सुनेगी तब उन्हें आश्चर्य होगा कि हमारे ही तरह हार मास का बना वैसा ही व्यक्ति इसी धरती पर कभी चलता फिरता था। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार के दौरान एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि वो बातों को भूल रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि नेताओं से आप कोई अपेक्षा न करें। नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। पिछले एक साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है। मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक है? बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया वो तो ये कर नहीं रहे, बाकी बेकार की चीजों में इनका ध्यान रहता है। दुनिया कितने दिनों तक रहेगी, कब खत्म हो जाएगी, इस पर बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं। पीएम मोदी के जाति पर सवाल खड़े करने पर सुशील मोदी ने जदयू राजद पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति पर सवाल उठाने को लेकर बिहार की राजनीति में काफी गहमागहमी देखी जा रही। अब इसी कड़ी में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा कहा गया है कि मुद्दा विहीन विपक्ष पीएम मोदी की पिछड़ी जाति और उनके माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनमें सरकार के कल्याणकारी फैसलों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग 9 साल बाद पीएम मोदी की जाति पूछ रहे हैं, उन्होंने कभी राहुल गांधी की जाति क्यों नहीं पूछी? कांग्रेस ने पिछड़े समाज के चरण सिंह को पीएम के रूप में संसद का मुंह नहीं देखने दिया और एचडी देवेगौड़ा की सरकार महज 11 महीनों में ही गिरा दी। अब कांग्रेस की गोद में बैठे जदयू और राजद जैसे क्षेत्रीय दल भी पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारत पाक के मैच में पाक बैटर के आउट होने पर वीडियो हो रहा वायरल। बीते शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए विश्व कप 2023 के मुकाबले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि यह वीडियो तब का है जब मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने के दौरान आउट होने के बाद पवेलियन लौट रहे थे। दरअसल रिजवान जब पवेलियन लौट रहे थे तो ड्रेसिंग रूम जाते समय भारतीय फैंस के द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए और उन्हें खूब चिढ़ाया गया। वहीं इस वीडियो पर अब फैंस तेजी से अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर के द्वारा 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार को आज से तुलना किया और लिखा कि मेरा देश बदल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1999 में पाकिस्तान ने भारत को जब हराया था तो चेन्नई के दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी और आज 2023 में अहमदाबाद में उल्टा देखने को मिला। जैसे ही पाकिस्तान बैटर मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो फैंस जय श्री राम के नारे लगाने लगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में की। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। 14वें एशियाई खेलों में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक विजेता डोपिंग टेस्ट में असफल रहने के बाद भारत की सुनीता रानी का पदक 2002 में छीना गया। भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फौजा सिंह ने 2011 को सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उम्र का शतक बना चुके फौजा सिंह ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 8 घंटे से अधिक समय में फिनिश लाइन पार की। सेनानी सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार सेठ गोविंद दास का जन्म 1896 में हुआ। भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज का जन्म 1944 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी का जन्म 1948 में हुआ। उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जन्म 1948 में हुआ। भारतीय महिला क्रिकेटर वेद कृष्णमूर्ति का जन्म 1995 में हुआ। प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक विनय मोहन शर्मा का जन्म 1905 में हुआ। गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रभाशंकर पाटनी का निधन 1938 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन 1994 में हुआ। वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे अस्थमा फैलाने और नेत्र रोग उत्पन्न के बारे में।
सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अस्थमा फैलाने और नेत्र रोग उत्पन्न करने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गृह मंत्रालय के कथित अधिकारी के नाम से वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया है कि चीन भारत में अस्थमा फैलाने और नेत्र रोग उत्पन्न करने के लिए विशेष किस्म के पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। टेलीग्राम में बार बार आ रहे इस नोटिफिकेशन को ऐसे करें बंद। अगर आप टेलीग्राम पर एक्टिव हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन बार बार आता होगा। दरअसल जब भी आपके कॉन्टैक्ट में से कोई व्यक्ति टेलीग्राम पर जुड़ता है तो इसका नोटिफिकेशन आता है। इस बार नोटिफिकेशन आना कई बार हमें इरिटेट करता है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और तीन डॉट की मदद से सेटिंग में चले जाएं। iOS पर सेटिंग का ऑप्शन आपको टॉप राइट में मिल जाएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन एवं साउंड ऑप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट ज्वाइंड के ऑप्शन को ऑफ कर दें। एक बार टॉगल डिसेबल हो जाने पर यदि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर जुड़ता है तो टेलीग्राम आपको सूचित नहीं करेगा। हालांकि अगर कोई नया व्यक्ति मैसेजिंग ऐप का उपयोग शुरू करता है तो ऐप आपको चैट में सूचित जरूर करेगा। अगर आप डेस्कटॉप पर टेलीग्राम चलाते हैं तो वहां भी इन स्टेप्स की मदद से नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। दिल्ली NCR में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। बीते दिन रविवार को दिल्ली NCR सहित आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि झटका दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी लोगों के द्वारा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बीते दिन आई भूकंप की तीव्रता लखकर स्केल पर 3.3 मापी गई। वहीं इसका केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद बताया जा रहा है। बता दें कि भूकंप के झटके शाम 4:08 बजे महसूस किए गए थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में इसराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने क्या शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन सारथी, ऑप्शन डी भारत मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय। अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ईशान किशन, ऑप्शन डी शुभमन गिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अगला सवाल, 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन ए 909, ऑप्शन बी 910, ऑप्शन सी 919, ऑप्शन डी 918। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 918। अगला सवाल, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गृहत पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी बंकू पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। अगला सवाल, इब्राहिम लोदी के समय उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला बिहार का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए महमूद लोदी, ऑप्शन बी दरिया खान लोहानी, ऑप्शन सी शेर खान, ऑप्शन डी फरीद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दरिया खान लोहानी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नीतीश कुमार सिंह, पंकज कुमार दास, विवेक मिश्रा, अतीक खान, धर्मेंद्र कुमार नेहरा, सीमा कुमारी, मंटू कुमार, नुनू गोलू कुमार, सिद्धार्थ कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, पंचम वर्मा, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना कारगर साबित हो रहा है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।